हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट संजीता श्रीवास्तव। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लॉ प्रोटेक्शन के बारे में कुछ समझाया था, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं कि शायद कुछ कन्फ्यूज़न है, तो मैं वो क्लियर कर देती हूँ आपको, क्योंकि लॉ प्रोटेक्शन को सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए। तीन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें लॉ प्रोटेक्शन में: ड्रीम्स, मूड एंड इमोशंस। ड्रीम्स मीन्स थॉट्स, थॉट्स आर ड्रीम्स, बोथ आर अवर ब्लेसिंग्स। ये मान के चलिए कि वो हमारे आशीर्वाद हैं। हम जैसा सोचेंगे, हम जैसा सपना देखेंगे, हम जैसा थॉट्स लेंगे, वही हम बन जाएंगे। तो उन्हें आप ऐसा मान के चलिए कि वो आपके ब्लेसिंग्स हैं, आपके आशीर्वाद हैं। और उन्हें यू शुड लव देम लाइक योर चाइल्ड। उन्हें आपको ऐसा प्यार करना चाहिए जैसे वो आपका बच्चा हो। आप जिसे सबसे अधिक प्यार करते हैं उसका कितना ख्याल रखते हैं, ऐसे ही हमें अपने ड्रीम्स का, हमारे थॉट्स का ख्याल रखना है। ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। अफर्मेशन के लिए हमको बैठना है, हमको खाना खाने के पहले बैठना है या पानी पीने के पहले उसका अफर्मेशन देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अफर्मेशन हमारी सांसों में, हमारे साथ, हमारी वेंस में, हमारी नर्व्स में, हमारी आर्टरीज में, हमारे बॉडी के एक सेल में, हमारे ड्रीम्स, हमारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो हम सोचते हैं, जो अफर्मेशन देते हैं, वो हमारे साथ चलते रहना चाहिए। ये अलग बात है कि जब हम रात को सोते हैं, डेड टाइम, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है, तो उस वक्त आप सोने के समय वो अफर्मेशन जो आपने क्रिएट किया है, या आपने मुझसे ऑडियो के फॉर्म में लिया है, या भूपेश सर से लिया है, वो अफर्मेशन आप उस वक्त ज़रूर सुने, ज़रूर अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाएं, क्योंकि रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और वो आपकी वो सब ड्रीम्स, वो सब थॉट्स पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन वाइब्स छोड़ता है, जो यूनिवर्स से आपके लिए अट्रैक्ट होकर आती है आपके हिसाब से, आपके ड्रीम्स के हिसाब से। तो ये तो हो गया ड्रीम्स, थॉट्स। सेकंड हो गया मूड। मूड अगर आपका अच्छा रहेगा, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, तो आपकी बॉडी का पूरा ओरा चेंज होगा, आपका ओरा पॉजिटिव रहेगा। और पॉजिटिव ओरा जब रहता है, तो आप सोचें, आप समझें कि जब आप गुस्से में रहते हैं तो आपके फैमिली में जो आपके मेंबर्स आपके साथ जो रहते हैं, वो भी आपके नज़दीक नहीं आते, आना पसंद नहीं करते, उन्हें लगता है कि नहीं जाना चाहिए अभी। तो ड्रीम्स को भी ऐसा ही मान के चलिए, अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आपके अंदर जो, अगर आपने निगेटिव थॉट्स लिए, या आप निगेटिव रहे, या गुस्से में रहे, एंगर में रहे, जो भी रहे, तो आपके ब्रेन में जो केमिकल रिएक्शंस होंगे उससे टॉक्सिन निकलेंगे, और वो जो आपका ओरा बनेगा वो वैसा बनेगा जिससे जिसके पास कोई भी ड्रीम नहीं आना चाहेगा। मीन्स आपकी खुशियाँ, आपके सुख, आपकी समृद्धि, आपका वेल्थ, आपकी हेल्थ, कोई भी ऐसे निगेटिव ओरा के पास नहीं आएगा, ये मान के चलिए आप। तो वो केमिकल जो आपके बॉडी में, आपके ब्रेन से रिलीज होते हैं, वो आपका ओरा बनाते हैं। तो कोशिश करिए कि आपका ओरा हमेशा पॉजिटिव रहे, उस पॉजिटिव ओरा के पास आपके ड्रीम्स जरूर पूरे होने के लिए आपके, आपको सुख, समृद्धि, हेल्थ, वेल्थ सभी आपके पास आएंगे, और जो आप सोचेंगे वही पूरा होगा। इसलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि आप पॉजिटिव रहें, आपका एंगर नहीं होना चाहिए, आपको अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, आपके अंदर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आपके अंदर निगेटिविटी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि दिस क्वालिटी अगर आपके अंदर है, ये बैड हैबिट्स है, तो उसको छोड़ दीजिए। और थर्ड, मूड हो गया, ड्रीम्स हो गया, थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इमोशंस। आपके ड्रीम्स, आपके ब्लेसिंग्स है, उन्हें मैंने आपको समझाया कि बच्चों की तरह प्यार करिए, जैसे प्यार हम बच्चों को करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं उनका,
ऐसे ही उन्हें आप इतना इमोशनली प्यार कीजिए, इमोशन से उनसे अटैच होइए। अगर आपने उनको आप उनसे इमोशनली अटैच होंगे तो सपने आपको ढूंढेंगे। आप सपना पूरा करने के लिए नहीं, सपना पूरा करने के लिए आप उनके पीछे नहीं भागेंगे, सपने आपके पास में आएंगे कि उनको लगेगा कि ये हमारे मतलब हमारी बेस्ट मंजिल है। आपकी मंजिल आपका सपना ना हो, सपनों की मंजिल आप हो। इस तरीके से कीजिए, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो जो अचीव किया है वो आपको पूरा समझाती जाऊंगी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पैर का ग्राफ्टिंग हुआ था, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप चल नहीं पाएंगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही टेक्निक से मैंने आज मैं एकदम फिट हूँ। अदरवाइज़ तो मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप चल नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा पैर का ग्राफ्टिंग हुआ था। ऐसी कई सारी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी मैंने उस लास्ट वीडियो में बताया था कि इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल मेरी लाइफ में हुई है सिर्फ पॉजिटिव रहने से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। ये सब टेक्निक से ही मैंने अपने आप को इतना फिट, हेल्दी, हर चीज़ वेल्थ, हर चीज़ को मैंने मतलब अपने पास में अट्रैक्ट किया है। जो ड्रीम्स, जो थॉट्स किया मैंने, जो थॉट्स लिया वही पूरा हुआ है। इम्पॉसिबल से पॉसिबल, वो आपको एक जर्नी में, मैं अगर एक बुक लिखना चाहूँ तो बहुत बड़ी लिस्ट है मेरी, मेरे लाइफ की। ये पॉजिटिव रहने से सब कुछ पॉसिबल हुआ है। तो पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए, अगर आपको इस पे भी कुछ मुझसे टिप्स चाहिए, आपको कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई अफर्मेशन की वीडियो ऑडियो चाहिए उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। भूपेश सर भी देते हैं, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए और तीन बातों का हमेशा ख्याल रखिए, आपके ड्रीम्स, आपका मूड और आपके इमोशंस। और सबसे बड़ी बात जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि आपको वर्क करते रहना चाहिए, उस सपने को पाने के लिए आपको लगातार वर्क करना है, लगातार वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मुझे फ़ोन कॉल्स करके। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।